अस्सलाम वालेकुम बच्चे लोग। देखो बेटा, मैं आ गई रे घर पे। अब क्या बोलूँ, दो टके की रंडी लोग की वजह से मेरी बहन भी चले गई, उसका भी मूड ख़राब हो गया। बोली मेरे को, देखो ये मेरा घर है, तुम लोग को तो मालूम है। क्या आप मिट्टी के उसमें, मेरी मिट्टी के उसमें नहीं, वो दो टके की राण है ना, वो आसिया छिनार मोटी छूत, उसकी तो छूत में दम नहीं कुछ बोलने के लिए। अपने लल्लू पंजू लोग को, और वो एक रंडी आई है अभी हनीफा बाजी, और बोलते ये तेरी बहुत पहचाने ना है छिनार, आ चल तेरी बहुत पहचाने ना, चल मेरे भी, मैं यहाँ बचपन से हूँ, यहाँ बॉम्बे में बचपन से, तेरी पहचान तू दिखा दे, मेरी पहचान मैं दिखाती। रंडी, मेरे पास ये रिकॉर्ड है कि तूने सबसे पहले मेरे को कॉल करी, और अगर मैं तेरे को कॉल करी रहूँगी ना रंडी, तो तू मेरा दिखाएंगी, सबसे पहले मेरा तू मैसेज दिखाएगी, तू मेरे जो भी रिकॉर्डिंग है वो दिखाएगी, मेरे मैसेज स्क्रीनशॉट जो भी मैंने तेरे को भेजी हूँ या मैंने कॉल करी, तू मेरे को दिखाएगी पहले। और तेरा टाइमिंग, तेरी डेट और मेरी डेट, मेरा टाइमिंग है ना, सब चेंज नहीं हो सकता ना, पर वो देखेंगे ना लोग, वो समझ जाएंगे कौन किसको क्या। रंडी, तूने मेरा यूट्यूब से नंबर निकाल के मेरे को फ़ोन करके वासिया रंडी की बुराई कर रही थी कि 20 किलो मेरे को दी, ग्रेटी दी, ऐसा दी बाजी, मैंने उसको 20,000 से ऊपर भेजी, ऐसा भेजी, मेरा पैसा खाली। बाजी आप बहुत अच्छा कर रहे, जैसा आप बोल रहे ना वीडियो में, वो अपनी ननन लोग के बारे में बोली, अपने हस्बैंड के बारे में, सेम बाजी वो सब मेरे को बोली। ए रंडी, तू बोली थी हनीफा छूत बुड्ढी किडनी फेल औरत, तू सुन ले। रंडी, तूने अपने बारे में भी बोली कि एक शादी करी थी जिसने तेरे को छोड़ दिया, तेरी छूत पे लात मार दिया, फिर लंदन में जाके बड़ा लंड लेके बैठी है तू उधर, समझी। और तुम लोग को ना मैं ना बहुत काफ़ी हूँ रे रंडी, तेरा तू बोलती ना बहुत पहचाने पहचाने, मैंने तो कभी भी नहीं बोली कोई वीडियो में। बच्चे लोग अभी तुम लोग ना कमेंट्स में बोलना, मैंने आज तक बोली मेरी इतनी पहचाने उतनी पहचाने नहीं, मैं अकेली काफ़ी हूँ, तेरी जितनी पहचाने लेके आ क्या रे रंडी लोग, तुम लोग खाली फ़ोन पे बकते रहते हैं। मैं तो मेरा नंबर दी हूँ, मेरा घर का एड्रेस दी, तुम लोग तो एड्रेस भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते मेरे को, हाँ चुते समझ के रखे रहे, हाँ मैं तो एड्रेस निकाल भी दी हूँ छिनाल का। ए रंडी, ए आसिया रंडी, बैठ जा खामोश, बैठ जा सड़ी छिनाल, तेरे पूरे वीडियो है ना पूरे ना, अभी एक काम करती कल सीडी बना के रखती हूँ राण, और सीडी बना के जाके ना पुलिस चौकी में दे दूंगी रंडी साली, तेरी माँ चोदा लूंगी, क्योंकि ना तूने मेरे को सब, तूने अपनी फैमिली के बारे में बताई, मैंने कुछ नहीं बताई, समझी राण। तेरा मेरा रिश्ता था सिर्फ नकुमंड देने का लेने का, और तू छिनाल इतने इतने दो 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 क्या कितना 2 kg बोलती थी, तो 5 kg आंटी ये तुम्हारे लिए रखी, आंटी ये निकाल के रखी, आंटी ये चंग रखी, हाँ छिनाल इतनी गांड में उंगली कर रही, मादर चोद साली रंडी, हाँ मैं चुपचाप बैठने वाली नहीं रंडी, जब जब उंगली करेंगी, अरे तू क्या रे सामने नहीं आती, ये चमचे अभी तो तू पहले चमचे लोग का सहारा लेती थी, वो चमचे चुप बैठ गए तो अभी ये किडनी फेल वाले का, अरे कम से कम वो किडनी फेल वाले को तो छोड़ दे, उसके कबर में पैर लटक रहा है, आज नहीं तो कल वो टपक जाएंगी मर जाएंगी। ये किडनी फेल तेरे को भी बोल रही मर के अल्लाह को मुँह दिखाने का तेरे को रंडी, और तेरे को मालूम है छिनाल तो अल्लाह रसूल को गवाह रख के बोल रंडी साली मादर छोद, तूने मेरे को कॉल करके इसकी बुराई की थी क्या नहीं, आसिया रंडी की तूने की थी कि नहीं, ये मोटी छूत की बुराई तूने कॉल करी थी मेरा यूट्यूब पे, जब मैं नंबर दी स्टॉक वीडियो डाली, जब मैंने नंबर दी सबको, तूने मेरा नंबर लेके मेरे को कॉल करी थी राण मादर चोस साली रंडी लोग। और बच्चे लोग, तुम लोग बोलते गाली नहीं देने का, आंटी गाली मत दो, आंटी गाली मत दो, ऐसे रंडी आएंगी तो ये रंडियों को क्या करूं, हाँ आ रहे रंडी हनीफा, रंडी हनीफा बाजी लिखी ना तू किडनी फैला, देखो तो ग्रैंड रोड में भी लेके जाके नहीं बेच सकती, क्योंकि उस लायक की भी नहीं, बूढ़ी छूत मरने की उम्र में, बैठ जा चुपचाप गांड में लड़ लेके बैठ जा, अभी लंदन में रही ना यूके में, लंड में लड़ ले ले, पूरा यूके तो चोद डाला रहेगा तेरे को जब भी किडनी फेल हो गई तेरी, बोल किडनी चाहिए तो बोल, मैं मेरे बहुत कुत्ते निकाल के भेजती हूँ, कुत्ते लोग किडनी लगा ले दो, कम से कम थोड़ी तो ज़िंदगी मिल जाएगी, साली छीना लो आए मुँह लगने के लिए। मैं तो एक ही बात बोलूँगी, मेरा घर का एड्रेस है, मेरा नंबर है, आ जाओ आ जाओ, जो जो छीना लो को, जो जो रंडी लो को आने का आ जाओ चलो, और अगर नहीं आने का ना रंडी लो मेरे को दो, मेरे को एड्रेस दो, ये रंडी तेरा एड्रेस है, तो अगर ज़्यादा गांड में उंगली कर रही ना आके पहुँच के ना तेरी माँ छोदा लूँगी राण। और मैंने ना हमेशा बोली हूँ मैं इसको लेके आऊँगी, मैं उसको लेके आऊँगी, मैंने कभी नहीं बोली, पूरा स्टॉक मेरा बैठा है डंडे लेके ये लेके, तुम लोग बोलते, तुम लोग हिजड़े लोग बोलते, मैं हिजड़ा नहीं हूँ, मैं तो मारूंगी तो मरूंगी छिनाल लो, तुम लोग क्या समझ के रखे रहे मेरे को, क्या समझ के रखे हैं, हाँ कुछ भी आके फालतू पकेंगे करेंगे क्यों रे रंडी। तेरे को ना मैं अपना चैनल खोली बोल के आसिया रंडी तेरे को प्रॉब्लम हो गई, हाँ सबसे पहली ये बात है, हाँ दूसरा मैं तेरे को नकुमंड क्रंच वीडियो नहीं दूंगी बोल के वो प्रॉब्लम हो गई तेरी छूत में, हाँ रे रंडी हुँ? और ये कौन है रे, ये हिना बाजी ना लोड़ा बाजी ना हनीफा बाजी, ये कौन है, ये तेरी छे ना छिनाल, तेरी छिनाल है ना, तेरी यूट्यूब की छिनाल है ना, जो तेरे से नकुमंड खरीदती थी 20 किलो का, हाँ ये सब मेरे को कैसा मालूम रे रंडी, जरा तेरी वो हनीफा छूत से पूछ कैसा मालूम है मेरे को ये सब बात तुम लोग की। और वो यूके वाली रंडी का नंबर मेरे पास कैसा आया, जब वो मेरे को फ़ोन करी, जब भी आया ना, अगर मैं किसी को फ़ोन करूँगी तो मेरा आएगा ना नंबर, मैं तो सबको दे के रखी, मेरा नंबर तो नॉर्मल हो गया सबके पास है, हाँ रे रंडी लोग।
अरे यार हिजड़े की औलाद लोग, तुम्हारी माँ ने ना हिजड़े के साथ सो के ना हिजड़े से ऐसे गाण मराई रहेंगी, तो गाण में से तुम लोग निकले ले, इसलिए ऐसी बात करते मेरे साथ। मैं मर्द की औलाद हूँ, मेरा बाप है ना एक है। अरे छिनाल बोलती है वो हनीफा भाजी, मैं तू गैर मुस्लिम है, गैर मुस्लिम का मतलब तुम लोग को समझता है बेटा, मतलब मैं हिंदू हूँ। हाँ मैं हिंदू हूँ, ठीक है। कब देखी रहे तूने, मेरा हिंदू बाप आया था क्या तेरी माँ को छूदने के लिए? अरे रंडी, मेरे बाप का नाम है ना मोहम्मद हुसैन सैयद है, मेरी माँ का नाम है ना नसीम बानो है, मेरी खाला का नाम है ना नसरीन बानो है, मेरे बड़े मामू का नाम है रहमत है, मेरे छोटे मामू जो गुजर गए ना उनका नाम याकूब है, और मेरे मामू के बच्चे लोग का नाम है जावेद है, साजिया है, और मेरी बहन का नाम है शगुफ्ता परवीन है, मेरी बहन की बेटी का नाम है सामिया है, मेरी बड़ी बेटी का नाम है रोशनी सैयद है, मेरी छोटी बेटी का नाम अलीशा सैयद है। तुम्हारी माँ की छूत कितने गिरे गिरे तुम लोग, हाँ यूट्यूब पे फेमस होने के लिए कितना गिरेंगे? हिंदू बना दिए मेरे को। अरे हिंदू होती तो गर्व से बोलती ना, हाँ हिंदू, मुस्लिम है तो मैं क्यों बोलूँ मैं हिंदू? क्यों हिंदू मुसलमान, हिंदू इंसान नहीं होता? हाँ इंसान नहीं होता, हिंदू क्या वो है क्या? हाँ हिंदू है तो क्या वर है रंडी? बहुत सारे मेरे बच्चे हिंदू है जो आज भी मेरी इतनी रिस्पेक्ट करते, इज्जत करते। और कौन से ऐसे बच्चे है बेटा बताना, मैं कौन से ऐसे बच्चों को रिस्पेक्ट नहीं दी, इज्जत नहीं दी? हाँ बच्चे लोग तुम लोग भी देख रहे होंगे, सोचते होंगे अस्मिन आंटी गाली देती, पर क्यों नहीं दूँ बेटा? ऐसी छिनाल लोग को, दो टके की रंडी लोग को क्यों नहीं दूँ? वो देखो उसकी किडनी फेल हो गई, दो वो लंदन में बैठे बैठे मेरे को मैसेज करती जा रही है, मेरे यूट्यूब पे कमेंट्स कर रही है, कर रही। तेरे कमेंट से क्या होगा रे? जो बच्चे मेरे को जानते हो जानते, समझी? तेरे कमेंट से क्या होगा? आज फोन करी तो फोन उठा के बोलती ए तू मेरे को बोल, कितने गंदे गंदे अल्फाज बोली उसने। हाँ छिनाल तेरे साथ दो दो तगड़ रख के बैठी, कह रहे रंडी मेरा एक ही मर्द है, एक ही मर्द है, तेरे तरह दो दो शादी करके नहीं बैठी, दो दो लड़ लेके नहीं बैठी, अभी पूरा लंदन भी छोट छोट के तो तेरी किडनी खराब कर दिया मादर चोद साली छिनाल। चल आजा, बहुत बड़ी बात करती, तेरे को अरेस्ट करवाऊंगी। क्यों? तेरी माँ की छूत में बंदूक डाल के उड़ा दी थी क्या? तेरी माँ की छूत पूरी छिछड़े छिछड़े कर दी थी क्या? हाँ क्या तेरे बाप का लड़ लेके तेरी छूत में डाल दी थी? अरेस्ट करवाएंगी आज। अच्छा देखते आ गाण में दमे, तो बात नहीं करने का, बोलने का नहीं, करके दिखाने का।